नाज़रीन आवाज़ न्यूज़ में भली कार आऊं आया अली रज़ा मंगी आई मारिया गज़ाला अब रोज़ सबक का पेरियां के नज़र हेडलाइंस थे पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल के पानी चोरी रोकने जो टास्क दई छो बिलावल चिताव दिनों है तो जैसे सुहेल अनवर सियाल पानी चोरी न रोकराई तो वजीर भी न रहंदो सिंध में पानी की खोट सबब आबाद गार सरापा एहतजाज बनल असा पानी की चोरी के बर्दाश्त न कंदासी पीटीआई आईएमएफ डील की हर फोरम से मुखालफत कंदासी पीडीएम के शोकास नोटिस के मुंह फाड़ो असा नवाज शरीफ ए मरियम नवाज अगैं जवाबदेह ना शहबाज शरीफ नून लीग जो सदर है वो जो चवन उनके नून लीग की पॉलिसी समझंदी पीपी जा जेयूआई से सुठा लागापा हुआ मौलाना फजल रहमान जो एहतराम है पर पीपी जो नजरियो अलग है बिलावल भुट्टो जरदारी की मातली में प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीर आजम डेरा गाजी खान में धाड़ेल खिलाफ पुलिस और रेंजर के ऑपरेशन जो हुक्म दई छो वजीर आजम चवे तो गरीब इलाकन में पानी की सूरत हाल ढी खराब है जरूरी है तरक्की में सभी इलाकन के शामिल किया वे वजीर आजम जो लैया में तकरीब का खिताब वफाकी घरू वजीर शेख रशीद कुछ देर में कराची पहुंची रो है शेख रशीद की सदारत हेठ रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में अमन अमान बाबत इजलास की सदारत कंदो जरियन जो चवण है तो शेख रशीद की सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात तय थी वही बिन्हीं अगवाणन विच में मुलाकात सुभाने सुबह जो थींदी मुलाकात में अमन अमान ए वफाक से जुड़ियल मामलों को जायजो वरतो वेंदो अगुणे वफाकी घर वजीर चौधरी निसार ब साल दह महीन का पंजाब असेंबली के मेंबर तौर हलफ खी वरतो पंजाब असेंबली के वक्ती स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी चौधरी निसार का हलफ वरतो कराची में गिरफ्तार तेगू खान तेगानी के सख्त सिक्योरिटी में कंधकोट की दहशतगर्दी त्रोड़ अदालत में पेश कियो अदालत तेगू खान तेगानी के अठन दिन की जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले कर छो तेगू खान तेगानी पंज गिरफ्तारी के सियासी इंतकाम करार दींदे इल्जाम मढ़ो है तो संदस गिरफ्तारी में सूबाई वजीर शबीर बुजरानी एम पी ए मीर आबिद खान संदरानी जहा हथ हैं मुख्य अदालतों से भरोसो है इंसाफ की उम्मीद है सिंधरे वे वजीर सैयद मुराद अली शाह शिकारपुर कश्मूर कंधकोट ए घोटकी के डेढ़ लख एकड़ बधल कचो धाड़ेल का क्लियर कराने जो ऐलान कर छो वे वजीर शिकारपुर जो दौरों करे कच्चे में धाड़ेल हथा शहीद थियल पुलिस अहलकार के वारसन से हुजूर खुआई कई डीआईजी लाड़कानो पारा अमनमान बाबत ब्रीफिंग वे वजीर मुराद अली शाह चवण है तो शहीद अहलकार कुर्बानियों जया थे नींदी शहीद पुलिस अहलकार जहा बार असाजे औलाद वागुर शहीद अहलकार के वारसन के अकेलो न छो वो शहीदन के औलाद के मुफ्त तालीम में नौकरी दिनी वेंद कचे के समूर इलाक के खाली कराए डोहारन जो खात्मो आंदो वो सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख शिकारपुर लाड़काने में डोहारे नथा शहीद थियल पुलिस अहलकार केस आईजी सिंध से दाखिल करने जो मुतालबो कर छो संदस चवण है तो सिंध में बदअमनी ए पानी की खोट की जिम्मेवार सिंध हुकूमत है मुल्क में पानी की खोट है वफाक सिंध जो पानी ना रोको वजीर आजम के हुक्म से घरू वजीर शेख रशीद अज सिंध पहुंची रो है मुल्क अंदर कोरोना वायरस अना जारी वायरस वधिक 65 मरीजों की हयात गिड़काय पो फौत अंक वी 1465 थी वो एनसीओसी मूजिब गुजरल 24 कलाक दौरान 2724 नवा केस रिपोर्ट थे मुतासर जो अंक वी 9,08,574 थी वो जामशोर में कोरोना के वधिक 4 मरीज फौत थे जिले में विभाग के फौत अंक 49 थी वो सखर शहर भर पासे में वायरस जना जारी एक मरीज का हयाती खसे वरती डीएचओ मूजिब एक महीने दौरान फौत जो अंग 21 थी वो है
हैदराबाद के बहावल जोन वे इलाके में नौजवान मुबैना तौर अगवा लियातल कार सवार 20 वर के जफर अली झांझलो जो के अगवा कर नौजवान के वारसन का चवण है त जफर दोस्त फहीम कुंभार से पेट्रोल भराण वो तो रस्ते में अगवा थी। बाड्रेवाजी अब्दुल खालिक मलानो हथियारबंदन था मुबैना तौर अगवा जवाबदार मुगवी वारसन का 20 लख रुपया भोंग तलब करे वरतो।